हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरा और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज आप लोग के साथ में जो टेंशन जो पैल वर्ल्ड के मना रहा है उसका 3 सीक्रेट बातें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था भाई, 3 बातें आप लोग का ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड था। पहला बात है भाई, क्या वो कौन सा डिवाइस में चलेगा, उसका रैम रिक्वायरमेंट क्या होगा, कौन सा मोबाइल में चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा जो बात था भाई, ई वाला गेम तो टेंशन ने बनाया है, तो इंडिया में क्या ई वाला गेम रिलीज़ होगा, तो उसके बारे में बताने वाले हैं। और फाइनल जो बात था भाई, ग्लोबली ई वाला गेम कब रिलीज़ होगा। टेंशन जो पैल वर्ल्ड गेम बना रहा है, एरोडिया प्लेफुल जर्नी को रीमेक कर रहा है, ई वाला गेम ग्लोबली कब रिलीज़ होगा। और उसके साथ एक गुड न्यूज़ भी आप लोग को देना चाहते हैं कि हम लोग का जो एमेकिन सर्वाइवल गेम है बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। उसका लास्ट में उसका डेट भी आप लोग को रिवील कर देंगे, कितना डेट में ई वाला गेम आ रहा है, एमेकिन सर्वाइवल। ठीक है, तो वीडियो को फुल टू वॉच करो। मेरे हिसाब से ई वीडियो को अगर फुल वॉच कर लो तो तुम लोग को टेंशन पैल वर्ल्ड के ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वीडियो चालू करने से पहले तुम लोग जानते ही होगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, तुम लोग के लिए इतना मेहनत करके न्यूज़ लेके आते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों चलते सीधा वीडियो। तो दोस्तों पहला जो बात है, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, बहुत सारा भाई लोग मैंने जो है मैसेज भी किया था कि भाई मेरे पास इतना जीबी डिवाइस है। तो कितना जीबी डिवाइस में ई वाला जो टेंशन वाला पैल वर्ल्ड गेम जो आने वाला है कितना जीबी डिवाइस में चलेगा, तो मेरा आंसर एक ही है भाई, आप लोग को हम पहले ही बताए थे, इस बार भी बताया, ई वाला गेम को रन करने के लिए कम से कम 4 GB रैम का ऊपर डिवाइस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका ट्रेलर आप लोग देख चुके होंगे, टेंशन का जो पैल वर्ल्ड गेम रिलीज़ होगा उसका ट्रेलर आप लोग देख चुके होंगे, उसका ग्राफिक्स अगर वैसा ही रहेगा तो कम से कम 4 GB रैम के ऊपर वाला गेम चलेगा। 4 GB और 6 GB रैम में लो ग्राफिक्स में चलेगा, 8 GB रैम के ऊपर से वाला गेम बढ़िया चलेगा। लेकिन अभी टेंशन है भाई, कोई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, हो भी सकता है गेम को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करे और 2 GB और 3 GB रैम में भी चल जाए। ये हुआ तुम लोग का पहला सवाल का जवाब। दूसरा जो सवाल है भाई, बहुत ही खतरनाक सवाल है, क्योंकि भाई ई वाला गेम को जो डेवलप कर रहा है वो है टेंशन स्टूडियो, और टेंशन का कोई भी गेम हम लोग का एंड्रॉयड में प्ले स्टोर में नहीं है, तो ई वाला गेम क्या इंडिया में रिलीज़ होगा। तो मेरा जवाब है दोस्तों, 70 से 80% चांस है ई वाला गेम इंडिया में रिलीज़ होगा। क्यों बता रहा है ये भी आप लोग सुन लो, क्योंकि टेंशन खुद ई वाला गेम को डायरेक्ट डेवलप नहीं कर रहा है, ई वाला गेम को डेवलप कर रहा है टीम स्टूडियो और लाइट स्पीड स्टूडियो। ठीक है, दोनों मिलके ई वाला गेम को डेवलप कर रहा है, क्योंकि तुम लोग जानते हो टीम स्टूडियो का ऑलरेडी एक गेम है हम लोग का एंड्रॉयड डिवाइस में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है पोकेमॉन यूनाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों बंदा खेलता है, तो टीम स्टूडियो का अगर ई वाला गेम रहेगा, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन रहेगा, तो ई वाला गेम हम लोग का जो टेंशन जो गेम डेवलप कर रहा है पैल वर्ल्ड, तो ई वाला गेम क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो 70 से 80% चांस है ई वाला गेम इंडिया में आएगा। ठीक है, और 20% चांस क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अगर टीम स्टूडियो इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा, अगर टेंशन डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो हो सकता है 20% चांस है ई वाला गेम इंडिया में रिलीज़ नहीं होगा। अगर रिलीज़ नहीं होगा उसका भी जुगाड़ जरूर लगाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, और जो तीसरा सवाल है, सबसे मेन सवाल, ई वाला गेम कब रिलीज़ होगा टोटल ग्लोबली। तो दोस्तों देखो, ई वाला गेम सबसे पहले अभी डायरेक्ट ग्लोबली रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि ई वाला गेम जब रिलीज़ होने का टाइम आएगा 2 से 3 महीने बाद, उसका क्लोज बेटा टेस्ट निकलेगा, जैसे फिलीपींस हुआ, ब्राज़ील हुआ, सिंगापुर हुआ, ये सब जगह में क्लोज बेटा टेस्ट निकलेगा, वहाँ पर 1 से 2 बेटा टेस्ट चलेगा, उसके बाद हो सकता है 3 से 4 महीने के बाद हम लोग का ग्लोबली ई वाला गेम रिलीज़ हो जाए। लेकिन सबसे पहले 2 से 3 बेटा टेस्ट चलेगा, क्लोज बेटा टेस्ट चलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो क्लोज बेटा टेस्ट में बहुत सारे बग्स वगैरह ग्लिच वगैरह रहता है, कुछ बंदे को उसका लिंक मिलता है, वो खेल के डेवलपर को बोलता है ऐसा ऐसा बग है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो डेवलपर उसके ऊपर सुधार करता है। ठीक है, उसके बाद फिलहाल 3 से 4 महीना बाद उसका ग्लोबली रिलीज़ होता है, माने तुम लोग पकड़ के चलो कम से कम हम लोग का ई वाला गेम ग्लोबली रिलीज़ होता है उसे 4 से 5 महीना लग जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग का क्लोज बेटा टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, अगर मुझको मिल जाएगा तो ज़रूर हम रिवील कर देंगे। ठीक है, हो गया तुम लोग का तीसरा जो सवाल था उसका जवाब। तो दोस्तों 3 जो सवाल का तुम लोग का हम जवाब दे चुके हैं, तो आप लोग को समझ गए होंगे कि ई वाला गेम बहुत जल्दी आने वाला है, 3-4 महीने हम लोग को वेट करना होगा, इंडिया में भी हो सकता है 70 से 80% चांस है इंडिया में रिलीज़ हो जाए। और जो तीसरा जो सबका सवाल था, जो अब जल्दी से रिलीज़ होगा, कब होगा नहीं होगा, तो 4 से 5 महीने के अंदर ई वाला गेम रिलीज़ होने का चांस है टोटल ग्लोबली। उसके बाद आप लोगों का सबसे एक बढ़िया और एक सवाल था भाई, एमेकिन सर्वाइवल कब रिलीज़ होगा, उसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया, इतना दिन हो गया, 2 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक एमेकिन सर्वाइवल कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ तो न्यूज़ दो। तो दोस्तों एमेकिन सर्वाइवल गेम नेक्स्ट महीना में 16 तारीख को एंड्रॉयड प्ले स्टोर में रिलीज़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हो गया ना खुश तुम लोग। जी हाँ दोस्तों, इसी महीना एंड में रिलीज़ नहीं होगा,
नेक्स्ट महीना में मतलब मई में ई वाला गेम हम लोग का 16 तारीख को एंड्रॉयड प्ले स्टोर में रिलीज़ हो जाएगा, और iOS में होगा कि नहीं होगा अभी तक सी और बातें नहीं सुने हम, लेकिन 16 तारीख के अंदर 15 या 16 तारीख को ई वाला गेम एंड्रॉयड प्ले स्टोर में रिलीज़ होगा। अगर कोई बग्स या ग्लिच अगर नहीं रहा तो 90-95% चांसेस 16 तारीख को ये वाला गेम एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। आप लोग ऐसा प्यार करते रहो, और पैरेलल के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ कोई भी लीक मिलेगा अपना इस चैनल में जरूर डालेंगे। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नया बंदे लोग जितना इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो को भी लाइक करो, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलना जरूरी है। यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ कल एक न्यू वीडियो में। तो आज के लिए गुड बाय।